मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में नवनिर्मित एशिया के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। प्रकृति के एक एक जीव जंतु के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले तो पेड़ काटे जाते थे, लेकिन 2017 के बाद पेड़ लगाए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का नया नया विस्तार हो रहा है, मेट्रो की नई नई सिटी मेट्रो की पब्लिक सर्विस के साथ जुड़ने का काम कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन साधन आज नगरीय क्षेत्रों में हम मेट्रो के माध्यम से दे रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से जुड़ रही है, लेकिन साथ साथ नौकरी और रोजगार की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे बताते हैं भूसंताई गिद्ध संरक्षण केंद्र में, जो जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में है, इस जटायु संरक्षण केंद्र में केयरटेकर के रूप में यहां वनटांगिया से जुड़े हुए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, यानी लोकल स्तर पर ही उनको नौकरी भी प्राप्त हो जा रही है। यानी एक कार्य सरकार के द्वारा किया गया और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी, प्रकृति को भी बचाना है, लेकिन प्रकृति के एक एक जीव और जंतु के प्रति भी हमारे दायित्व तो बनता है और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए हैं। यूपी पहला राज्य है देश का और दुनिया का पहला राज्य होगा जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। बहनों भाइयों, आपने 2017 के पहले जंगलों की कटान के दृश्य तो देखे होंगे, और मुझे लगता है क्यों फतेह बहादुर सिंह ने 17 के पहले तो पेड़ काटे जाते थे, लेकिन अब 17 के बाद अब पेड़ लगाए जा रहे हैं।